हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांसोर जिला जालौर की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार सोनी कक्षा 6 विषय गणित अध्याय 6 पूर्णांक प्रश्न 6.2 के सवाल आज आपको हल कराऊंगा। बच्चों, प्रश्नावली की शुरुआत करने से पहले मैं फिर दोहराना चाहूंगा कि यदि आपने हमारे इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो देखिए बच्चों, अब हम आज अध्याय 6 पूर्णांक प्रश्न 6.2 की शुरुआत कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो क्या लिखा है, संख्या रेखा के उपयोग से वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जो 5 से 3 अधिक है। मतलब 5 में 3 हमको जोड़ना है, तो कैसे जोड़ेंगे? देखो, हम सबसे पहले एक संख्या रेखा बनाएंगे। बच्चों, मान लो यहां हमने दिया 5, राइट? 5 के इधर क्या होगा? देखो, इधर तो 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, जो भी है इधर कम होगा। अब 5 से 3 अधिक करना है, 3 अधिक का मतलब 3 कदम आगे चलेंगे हम, 1 2 3। तो देखो, यहां से लेके अपन यहां तक पहुंच गए तो कितने चले हम? +3 चले। इस 5 के बाद में +3 चलेंगे तो 5 के बाद में 1 2 3, तो 5 के बाद में 6 7, और ये कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो 5 के बाद में हमें 3 कदम और चलना आगे की तरफ, तो ये 8 उत्तर हो जाएगा इसका। तो इसका आंसर क्या होगा? 8। ठीक है, इसी प्रकार -5 से 5 अधिक हमें ज्ञात करना है। बच्चों देखो, वही बात, सबसे पहले ये हमने एक संख्या रेखा बनाई, -5 रखेंगे हम। ए, मान लो ये हमने यहां रख दिया -5। अब इसमें हमें 5 अधिक करना है, तो 5 अधिक करने के लिए 1 2 3 4 5, तो यहां से लेके यहां तक हमने कितना किया? +5 किया, राइट? तो -5 के बाद में यह लेगा -4, ये -3, ये -2, ये -1, और यह कहेगा 0। तो ये 0 हमारा आंसर आएगा। इसमें आंसर क्या आएगा हमारा? इसमें 0 आएगा। तो 5 से 3 अधिक करने पर उत्तर आएगा 8, और -5 से 5 अधिक करने पर उत्तर आएगा 0। इसी प्रकार 2 से 6 कम करना है। देखो बच्चों, ये हमारी संख्या रेखा है, अब कम में इधर आते और ज्यादा में उधर जाते, तो मान लो ये हमारे क्या है, पे 2 है, कितना है? 2। अब 2 से कितना कम करना हमको? 6। देखो बच्चों, 1 2 3 4 5 6, ये हमने यहां से लेके यहां तक कितना कम कर दिया? 6 कम कर दिया अपन ने, यानी कितने इधर कहेंगे हम? 6 कम करेंगे हम, तो 6 कम किया अपन ने। तो देखो, ये 2 है, 2 के पहले क्या आता है? 1, 1 के पहले आता है 0, और 0 के इधर आएगा -1, -2, -3, और ये -4। तो 2 से 6 कम करेंगे तो उत्तर क्या आएगा? -4।
माइनस का 4 आएगा। अब देखो बच्चों इसी प्रकार माइनस 2 से 3 कम करना है हमें। ये देखो बच्चों सबसे पहले हम यहां लिखेंगे माइनस का 2, अब 3 कम करेंगे 1 2 3। तो देखो बच्चों यहां से लेके हमने कितना कम किया, यहां से लेके यहां तक 3 कम किया हमने, तो क्या आएगा माइनस 2 के बाद ये माइनस का 1, ये 0, सॉरी ध्यान देना माइनस 2 के बाद क्या आएगा था माइनस का 3 और ये आएगा माइनस का 4, ये आएगा माइनस का 5। तो आंसर क्या आ गया इसका, माइनस का 5 आ गया, राइट। इसी प्रकार देखो ये संख्या रेखा के प्रयोग से निम्न योगफल हमें ज्ञात करना है बच्चों। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम एक संख्या रेखा बनाएंगे बच्चों, ठीक है। मान लो यहां पे ये हमारे पास में है 9, अब इसे कितना जोड़ेंगे माइनस का 6, माइनस 6 तो इधर जोड़ते हैं और प्लस 6 उधर जोड़ते हैं, मतलब माइनस की संख्या जोड़ने पर इधर आएंगे और प्लस की संख्या जोड़ने पर दाई हो जाएंगे। तो माइनस की संख्या जोड़ने पर बाई हो जाएंगे, प्लस की संख्या जोड़ने पर दाई हो जाएंगे। संख्या कितनी हमारे पास 9 है, आज तो माइनस का 6 जोड़ेंगे, तो देखो ये 1 2 3 4 5 6। आप ध्यान दीजिए यहां से लेके हमने कितना जोड़ा माइनस का 6, राइट। तो कितना ये 8 7 6 5 4 3। तो हमारे पास आंसर क्या प्राप्त आ गया बच्चों, इसका आंसर 3 प्राप्त हो गया। इससे पहले देखो बी, ये हमारे पास है 5 में जोड़ेंगे माइनस 11, ये देखो बच्चों ये हमारे पास क्या है 5, इससे माइनस 11 जोड़ेंगे तो 11 कदम किधर रहेंगे बाई और रहेंगे। देखो बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, राइट। अब देखो यहां से लेके यहां तक कितना जोड़ेंगे माइनस 11 जोड़ेंगे, तो देखो गिनती क्या बचेगी 5 की, इधर क्या आएगा 4 3 2 1, फिर 0, 0 की तरह से क्या चालू हो जाता है माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4, माइनस 5 और ये माइनस का 6। तो आंसर क्या आ गया माइनस का 6 आ गया, ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है। अब इसका आंसर यहां बताऊंगा मैं आपको, देखो माइनस 1 पे जोड़ेंगे माइनस 7, देखो बच्चों ये हमारा क्या माइनस 1, अब इसमें जोड़ेंगे माइनस 7, तो माइनस की संख्या जोड़ेंगे तो बाई ओर रहेंगे कितने कदम 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये हमने क्या जोड़ दिया माइनस का 7 जोड़ दिया, तो क्या रहेगा माइनस 1, ऐसा समझे ये माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6, माइनस का 7, माइनस का 8। तो माइनस 1 में जोड़ेंगे माइनस 7, तो उत्तर कितना आएगा माइनस का 8 आएगा बच्चों, ठीक है। अभी 3 सवाल मैंने आपको सिखाए, इसके बाद देखो बच्चों इसके बाद में सवाल नंबर ये चौथा, यहां बता रहा हूं ये हमने संख्या रेखा बना ली, ये हमारे पास माइनस का 5 है, इसमें प्लस से 10 जोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां कितने जोड़ दिए हमने यहां से लेके 10, तो ये माइनस 5 के बाद क्या आएगा इधर
माइनस चार, माइनस तीन, माइनस दो, माइनस एक, जीरो। जीरो के बाद एक दो तीन चार पांच, ये पांच किसका बच गया? प्लस का, तो आंसर आ गया पांच। इसी के बाद जो ई, इसका ई बता रहा हूं यहां पे, देखिए बच्चों क्या लिखा, माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन जोड़ेंगे हम, ये हमारी संख्या है। सबसे पहले माइनस एक ले लेंगे, ये ले लिया माइनस का एक, अब इसमें क्या जोड़ेंगे, माइनस के दो, तो दो कदम आएंगे हम, एक दो, यहां से लेके क्या माइनस दो, इस माइनस एक माइनस दो जोड़ेंगे क्या बनेगा, माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन बन गया। अब माइनस तीन में क्या जोड़ेगा, ये माइनस तीन, तो यहां से तीन कदम आएंगे, एक दो तीन, अब माइनस तीन जोड़ेंगे, तो माइनस तीन के बाद माइनस चार, माइनस पांच, माइनस छ, तो इसका आंसर क्या आएगा, माइनस का छ। अब देखो इसी प्रकार एक, एक में क्या है, माइनस दो पहले, देखो बच्चों ध्यान से, ये हमारे पास माइनस का दो है, राइट, इसको जोड़ेंगे प्लस का आठ, यही आगे की तरफ, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, यहां से क्या जोड़ दिया हमने आठ, तो ये माइनस एक, ये जीरो, ये प्लस एक दो तीन चार पांच छह हो गया, ठीक है। अब इसमें से क्या करेंगे, माइनस से चार वापस छोड़ेंगे, तो माइनस चार कदम पीछे आएंगे, यहां से लेके यहां से चार कदम पीछे आएंगे, तो यहां से चार कदम पीछे आएंगे, एक दो तीन चार, यहां तक ये हमने चार कदम पीछे आ गए, तो कहां पे आए वापस, पहले अपन यहां से लेके यहां तक आए, ये एक नंबर, फिर यहां से किधर जाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये दो, तो इसका आंसर क्या आएगा, दो आएगा, किधर आएगा बच्चों, इसका आंसर प्लस का दो आएगा। इस प्रकार संख्या रेखा के उपयोग से हमें आपको ये पूर्णांक ज्ञात करना सिखाया और योग ज्ञात करना सिखाया। बाकी के सवाल बच्चों में आपको कल नए वीडियो में सिखाऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।